ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का, ठीक है। मैं गरीब हूं और दलितों में महादलित हूं, वाल्मीकि समाज से हूं, और ये जब से प्रतिमा लगाई है जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूं मैं, ठीक है। और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूं और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है, और ये जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है। वेरीफाई कौन, इतनी देर में वेरीफाई हो जाती है क्या? आप लोग बिना मेरा पक्ष जाने उल्टा सीधा जो भी चला रहे हो, ये तो हमारे भगवान की दया से पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है, मेरी घरवाली, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है, ठीक है। लेकिन मैं षड्यंत्रों से ही डरता भाई, मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूं, कौम के वफादार लोग हम। जब एकलव्य का गूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने, ये इस देश का इतिहास हमें जो है ना, देश का इतिहास देख लो, इतिहास ही हमारे बलिदानों से बना है। जब हम लोग उठना शुरू हुए तब तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के दबा दिया गया, और ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूं, और मेरी वजह से आम आदमी पार्टी पे कभी कोई कलंक नहीं लगेगा।